नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं, जिस तरह से अभी देर रात हो चुकी है, करीब 12 बजने वाले हैं, और ऐसे में अभी जिस तरह से आपने वीडियो में देख रहे होंगे कि जो हमारे प्रदेश यानी दादरा एवं नगर हवेली के जिला समाहर्ता है भानु प्रभा जी, वो आई हुई थी। पूरे मुआयना पे पूरे नजर रखा हुआ है। जैसा कि सबसे पहले मैं आप लोगों को बात बता दूं कि मामला ये था कि एक कार जो है i20 बताई जा रही है, ब्लू कलर की, जो डोकमंडी पुल से वहाँ पर पास में ही स्थित एक सोसाइटी में जो लोग रहते थे, वो उस जगह से छोटी वाली पुल यानी डोकमंडी में जो छोटा पुल है, पहले का पुराना पुल, उस पर क्रॉस कर रहा था, और अचानक से जो है मधुबन डैम का पानी जो है वो छोड़ दिया गया, जिसके बाद वो लोग जो है उस पानी के चपेट में आ गए, जिसके चलते गाड़ी में बैठे मुकुल भगत और उनके छोटे 7 साल के जो बच्चे हैं सिद्धू, वो उस चीज़ में फंस गए, उस गाड़ी में फंस गए, जिसके बाद वो गाड़ी डोकमंडी पुल से निकलकर जब पानी के जरिए बहते बहते नदी में, यानी जो खाड़ी है उस खाड़ी में बहते बहते जब पिपरिया विस्तार में पहुंची, जैसा कि आप दूसरी तरफ देख भी रहे होंगे कि किस तरह से वो गाड़ी जो है डूब रही है, तो वहां पर पहुंची, लेकिन पानी इतनी तेज गति में थे कि कोई भी व्यक्ति जो लोग देख रहे थे उनकी हिम्मत नहीं हुई कि उन जगहों पर जाकर उसे बचाने की कोशिश किया जा सके। लेकिन जैसे ही मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस विभाग को मिली, NDRF की टीम को मिली, जिला समाहर्ता कार्यालय को मिली, तो फौरन ही पूरी टीम जो है वो एक्टिव हो चुकी थी। यानी कुल मिलाकर ये मामला जो है शाम के करीब 8 बजे का बताया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि आखिर किस तरह से टीम इस पर काम कर रही है, वो भी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इस वक्त में जो आप देख रहे हैं जगह, ये है लवासा विस्तार, आप देख रहे हैं कुछ लाइट्स जल रही है वहाँ पर, जो है फायर विभाग है, अग्निशमन दल की पूरी टीम जो है वहाँ पर लगी हुई है। हमारे अगर बात किया जाए जिला समाहर्ता कार्यालय की, पूरी टीम लगी हुई है, मामलादार टीम, मामलादार जो है कानवेल, वो भी पूरी पहुंची हुई है। अगर पुलिस विभाग की अगर मैं बात करूं आपको, तो अपने दादरा एवं नगर हवेली के जो SP है राजेंद्र प्रसाद मीणा जी, SDPO सिद्धार्थ जैन जी, सिलवासा थाना प्रभारी अनिल के जी, महिला IPS जो नई आई है वो, और पेपरिया आउटपोस्ट की टीम, यानी पूरी टीम जो है पूरी तरह से इसमें मिली हुई है। और साथ ही साथ आप अगर बता दूं, जिस तरह से हमारी एक भारतीय संस्कृति युवा मंच की जो टीम है, उसके भी सारे लड़कों को जैसे ही इत्तला की गई, विभाग से बताया गया कि हमें पहुंचना है, तो हमारी भी पूरी टीम जो है वहां पर आ चुकी है। पूरी कोशिश जो है पूरी तरह से जिला समाहर्ता कार्यालय की तरफ से पूरा ऑर्डर है, पुलिस विभाग से पूरा ऑर्डर है कि इस पर मामले को फौरन ही एकदम जो है इसको एक्टिव मूड में लेने की जरूरत है। और पूरा टीम जो है, पूरी टीम आप देख सकते हैं, करीब अभी समय जो है मैं चाहूँगा दिखाया जाए किसी के फोन पे से, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस तरह से ये चीज़ें हैं, इतनी रात हो चुकी है, पूरी टीम कोशिश कर रही है, समाहर्ता जो भानु प्रभा जी हैं वो इस वक्त यानी पूरी टीम के साथ लगी हैं। देखिए 11:40 का समय हो चुका है, और खास चीज़ जो है पूरी तरह से ये प्लानिंग की जा रही है कि किस तरह से जल्द जो है उस गाड़ी में बैठे हुए लोगों को ढूंढा जाए और उस गाड़ी को ढूंढा जाए। हालांकि पानी का बहाव इतना तेज है, जिसके चलते जो है गाड़ी किस जगह पर फंसी है या किस जगह पर गई है, इसका अनुमान जो है अभी नहीं लगाया जा सकता। सिर्फ कयासों के बल पर ही हमारी टीम और पूरी टीम जो बोल सकते हैं जिला प्रशासन की पूरी टीम जो है वो इस पर काम कर रही है। जैसे ही उनकी जानकारी हमें मिली कि इस तरह की चीज़ है, तभी जो समाहर्ता हैं और SP महोदय जो है वो सभी जो है पिपरिया विस्तार में गए, जहाँ पर लास्ट टाइम गाड़ी को देखा गया है। यानी पिपरिया ओवरब्रिज से जब आप क्रॉस होंगे, तो उसको बाएं की तरफ, अगर सिलवासा की तरफ से आप वापी की तरफ जाएंगे, तो बाएं तरफ जब आप देखेंगे, उस जगह पर आखिरी बार उस गाड़ी की लाइट को देखा गया था, जलते हुए लाल लाइट, और उसके बाद से जो है गाड़ी जो है नीचे चली गई, और उसके बाद से वो गाड़ी जो है नहीं देखने को मिल रहा है। ऐसे में पूरी टीम जो है पूरी बेहतर बोल सकते हैं आप, कोशिश जो है वो की जा रही है। ऐसे में अलग अलग जगहों पर डोकमंडी, पिपरिया, लवाछा में जिस वक्त हम लोग जहाँ पे हैं, इसके अलावा वापी और उसके बाद दमन विस्तार में पूरी जगह पर जो है अलर्ट इस मामले पर कर दिया गया है कि जहाँ भी कहीं भी कुछ इस तरह की चीज़ें जानकारी मिले, कहीं भी उनकी कुछ झलक देखने को मिले, तो फौरन जो है आला अधिकारियों को इसकी जानकारी दी जाए। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ऐसी जगहों पर जाने से बचें जिस जगह पर पानी का स्तर लगातार बढ़ता और घटता, क्योंकि बरसात जो है लगातार बढ़ रही है, और इसके बाद मधुबन डैम पर भी पानी जो है काफी जमा हो जाता है, जिसके बाद फाटक खोल दिए जाते हैं, और यही कारण था जिस वजह से ये व्यक्ति जो है वो अपने बच्चे के साथ इस तरह से पानी में फंस गए हैं। और सबसे बड़ी चीज मैं आप लोगों को फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा कि जिला प्रशासन द्वारा दी गई जितना भी दिशा निर्देश है उसका पालन करें। पानी आपको ऊपर से देखने में भले ही शांत लगेगा, लेकिन वो पानी शांत नहीं है, गहरा है, पथरीला एरिया है, पहाड़ी एरिया है, जिसके चलते जो है काफी जो है भयावह स्थिति जो है पानी के अंदर देखने को मिलती है। तो इसलिए आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया ऐसी जगहों पर जाने से बचें, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तभी आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। फिर मिलेंगे, जय हिंद, जय सिलवासा।